बताया नहीं, तो जोशी जी तो सेवा में लगे रहते, थानापति जी के ही समय से सेवा में यहाँ पर लगे रहे जोशी जी। वही जो भी साफ सफाई करनी है ब्राह्मणों के कुटिया में भी रोज सफाई करने और सारा कार्य करते हैं हमारे जोशी जी महोदय। और अन्य जो सेवक हैं यहाँ पर, पुनेठा जी हैं, प्रीति जी हैं और लक्ष्मी दत्त जी, ये तो पुराने भक्तों में हैं। और इन भक्तों का नाम हमने दिया ही था और हमारे यजमान परिवार के भक्त लोग जिनके द्वारा, जिनके तन मन धन से ये महान ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ है। और अन्य सभी लोगों ने अपनी ओर से अपनी अपनी भावभक्ति से सहयोग दिया है, लेकिन इसका सारा हर्जा खर्चे का भार जो है हमारे श्रीमान परमादरणीय कृष्णानंदी उप्रेती जी के परिवार ने, इनके सारे बहु बेटियों ने, बहू और बच्चों ने, इनके बच्चों ने सब भार उठाया था और सारा पूरी लगन से इसको पूरा किया। और इसी प्रकार हर साल यहाँ आग इतना कम है, परंतु शब्दों में हम क्या कहें अधिक। हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, एक एक करके मन से तो सबका नाम ले रहे हैं लेकिन मुंह से लेना उतना संभव नहीं हो पाता है। सारे भक्तों का क्यों दृष्टि हम पर पड़ी है तो हमारा, हमें आनंद मिला है। और सारे महान संस्कारी लोगों ने यहाँ पर आकर के हर साल इसी प्रकार से यज्ञों को सफल बनाया है और यज्ञ की शोभा बढ़ाई है, सत्संग की शोभा बढ़ाई है। हमारी सयानी सयानी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आई हैं और अन्य भी सभी बहू बेटे गाँव के सभी यहाँ पर आकर के अपना पूरा पूरा सहयोग भगवान के कार्य में राम काज समझकर सब सेवा में लगे हुए हैं। किसी से कहना नहीं पड़ रहा है कि तुम ये करो वो करो, सब अपना कर्तव्य मानकर सेवा में लगे हैं। लेकिन साथ में एक बड़ी सेवा ये भी है कि यहाँ की पवित्रता की भी रक्षा करनी जरूरी है, इसीलिए हम निवेदन किया था कि आप लोगों का इतना सेवा भाव है तो ये यहाँ की जो मंदिर की शुद्धि और ये तालाब की शुद्धि, इसका भी ध्यान आप लोगों को बहुत रखना पड़ेगा, रखना जरूरी है, तभी पूजा सफल हो पाएगी आगे चलकर। तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, वहां कुछ लिखना भी पड़ेगा, द्वार भी लगाने पड़ेंगे और शुद्धि करनी पड़ेगी। वो और भी हो सके तो उसका उस